हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं ठीक हूँ, आशा करती हूँ आप सब भी अच्छे होंगे। आज हम बनाने वाले हैं मैक्रोन की एक झूमर। इसके लिए हमें चाहिए मैक्रोन डोरी इस तरह की 3 गुच्छी या फिर 600 ग्राम क्रिस्टल मोती और गद्दा जैसे दिखने वाले लटकन। आप चाहे तो कुछ और भी नीचे लगा सकते हैं। 2 रिंग 9 से 10 इंच की, 2 रिंग 7 से 8 इंच की, 1 रिंग 5 इंच की और 1 रिंग 3 इंच की। यहाँ पे हमने डोरी को कट कर लिया है 3-3 मीटर में 10 पीस। डोरी की मिडिल पॉइंट को पकड़ के इस तरह से रिंग के अंदर डालेंगे ताकि रिंग की दोनों तरफ की डोरी की लेंथ समान रहे। फिर हमें 1 मीटर की डोरी लेके मैक्रोन का जो बेसिक नॉट है उसे करेंगे। एक बार लेफ्ट की तरफ से डोरी लेके और एक बार राइट की तरफ से डोरी लेके इस तरह से हमें करीब 10 या 12 नट डालना है। नॉट डालने के बाद इस तरह से हम नीचे से डोरी को खींच के थोड़ा सेट कर लेंगे। अब हम 2 डोरी लेके इस तरह से 5 बीट्स डालेंगे। 1 बीट्स के बाद 4 नॉट डालेंगे, एक बार लेफ्ट हैंड के तरफ से, एक बार राइट हैंड के तरफ से, फिर एक बार लेफ्ट हैंड के तरफ से और फिर एक बार राइट हैंड के तरफ से, फिर 1 बीट्स और फिर इस तरह से 4 नॉट। इस तरह से हमें 5 बीट्स को डालना है। बाकी की डोरी में भी हम इस तरह से 5 स्टेप करते जाएंगे। अब हम 5 इंच की एक रिंग लेंगे और उसमें इस तरह से पाइपिंग वाला नॉट करते जाएंगे। इसमें एक डोरी में 2 बार नॉट डालना रहता है। अगर आप पहली बार मेरे वीडियो देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन बटन को क्लिक कर दीजिएगा ताकि मेरी अपलोड की हुई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और मेरा ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर दे दीजिएगा ताकि हमें मोटिवेशन मिलती रहे। इस तरह से हमें पूरे रिंग में पाइपिंग वाला नॉट डालना है। अब हम 2-2 मीटर में डोरी कट करेंगे 20 पीस। अब एक एक डोरी को लेके इस तरह से रिंग में हम नॉट डालेंगे। यहाँ पे हम इस तरह से 4 डोरी लगाने वाले हैं। इस तरह से हम पूरे रिंग में 4-4 डोरी लगाते जाएंगे बीच बीच में। पूरे रिंग में इस तरह से हमने 4-4 डोरी करके 20 डोरी डाल दिए हैं। अब हम 2 डोरी लेके एक मोती डालेंगे और इस तरह से 2 नॉट करेंगे। इसी तरह से हमें एक राउंड कंप्लीट करना है। फिर उसके नीचे दोनों तरफ से एक एक डोरी लेके फिर से 1 बीट्स डालेंगे और 2 बार नॉट डालेंगे, एक लेफ्ट हैंड की तरफ से, एक राइट हैंड की तरफ से। और इस तरह से दूसरा राउंड को भी कंप्लीट करना है। उसके नीचे हम स्पाइरल नॉट करने वाले हैं और ये नॉट एक ही साइड से बार बार किया जाता है। इसे हम करीब 2.5 इंच तक करेंगे या फिर 20 बार आप कर सकते हैं। ये इस तरह से मोड़ते हुए रहता है
और हमारे डिज़ाइन और भी सुंदर हो जाता है। हमारा ये वाला स्टेप कंप्लीट हो चुका है। अब हम 8 इंच की और एक रिंग लेंगे और उसमें हम पाइपिंग वाला स्टेप करेंगे। इस तरह से हमें पूरे रिंग को कवर करना है पाइपिंग वाला नॉट डाल के। अब हम 2-2 मीटर में 16 पीस डोरी कट करेंगे और उसे बीच में एक एक करके डालते जाएंगे इस तरह से। किसी एक जगह पे हमें 2 डोरी डालना है। ऐसा नहीं करने से लास्ट में एक डोरी बच जाता है और हम हमारे डिज़ाइन को ठीक से नहीं कर पाएंगे। आप देख सकते हैं अब हमारा पूरा रिंग कवर हो चुका है। अब हम 2 डोरी लेके इस तरह से एक बीट्स डालेंगे और 2 नॉट डालेंगे, एक लेफ्ट की तरफ से और एक राइट की तरफ से। इस तरह से हमें करते जाना है और ये हमें 5 राउंड करनी है। एक राउंड, फिर दूसरा राउंड, फिर तीसरा राउंड, फिर चौथा राउंड और फिर 5वां राउंड। उसके बाद हम 10 इंच वाला रिंग डालेंगे और उसमें पूरे रिंग में पाइपिंग वाला स्टेप कर लेंगे। इस तरह से आप देख सकते हैं। फिर हमें 2-2 डोरी में 3-3 मोती डाल के नीचे और एक 10 इंच वाला रिंग लेके उसमें भी पाइपिंग वाला स्टेप इस तरह से करेंगे। हमारा नीचे का पाइपिंग वाला स्टेप कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम नीचे बीट्स डाल के फिर से वो पहला वाला स्टेप 5 राउंड करेंगे। अब हमारा लास्ट रिंग डाल के उसमें भी हम पाइपिंग वाला स्टेप कर लेंगे और पूरे रिंग को कवर कर लेंगे। अब हमारा स्टेप कंप्लीट हो चुका है और अब जो डोरी बच गया है उसे हम 2 डोरी लेके पहले 3 इंच में कट करेंगे और फिर 2-2 डोरी लेके थोड़ा थोड़ा बड़ा करके हम कट करते जाएंगे। फिर उसके बाद 2 डोरी में एक बीट्स डालेंगे, फिर एक डोरी में हमारा जो गदा शेप में है लटकन वाला क्रिस्टल उसे डालेंगे और फिर दोनों डोरी को इस तरह से मेल्ट करेंगे और दोनों को चिपका देंगे और उसे हम चिपकाते हुए इस तरह से सेट करेंगे। इस तरह से हमें पूरा एक राउंड सारे स्टेप को करना है। आप देख सकते हैं ये कितना खूबसूरत बन गया है। अब हम ऊपर जो वायर था उसे कट करेंगे और उसे भी मेल्ट करके हम चिपका देंगे।
अब हम डेढ़ मीटर की और एक वायर लेंगे और ऊपर की छोटे वाले रिंग में सबसे पहले एक नॉट डाल देंगे और फिर हम पूरे रिंग को नॉट डालते हुए कवर कर लेंगे। इस तरह से अब हमारा झूमर कंप्लीट हो चुका है। आप देख सकते हैं ये कितना सुंदर लग रहा है। आप सभी इसे जरूर बनाइएगा। फिर मिलेंगे और एक नई वीडियो के साथ।